हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी डिफ़िकल्ट ट्रैक। हमने बेबीज अलग कर दिए क्योंकि फीमेल फिर से एग ले करने के लिए रेडी, जैसे आप देख सकते हो कटियों का आ गया बाहर और पेट भी बहुत खुला खुला सा है कस्टमर। देखिए तो मैं बोला एग्रेसिवनेस दिखा रही थी थोड़ा, तो मैंने बेबीज निकाल दिए और चेंज कर दिए बेबीज़ को इधर। एक्टिव है सब अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पीवीसी पाइप का स्टैंड भी दे दिया है और टैंक अच्छे से क्लीन करके सेटअप कर दिया है। ये अभी बहुत जल्दी, पता नहीं कल परसों दे सकती है। ये अपडेट देनी थी आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों सेकेंड डे इवनिंग मतलब मैं एग लेइंग करना चालू कर दिया। मैंने असल में देखा तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एग ले कर लिए फीमेल ने भी और थोड़े बहुत करेंगे एग लेइंग में लोग। तो उन लोग का ये प्रोसेसिंग चलता रहेगा 45 to 1.5 hours तक। इनका ये प्रोसीजर चलता रहेगा, फीमेल एग ले करते रहेगी और मेल उसे फर्टाइल करता रहेगा। मैं सडनली आ गया हूँ इसके लिए हम लोग रुक गए, तो हम थोड़े साइलेंट हो जाते ताकि वो फिर से एक लेकिन शब्द की तरह डिस्टर्ब नहीं करते। तो देख सकते हो दोस्तों मेल फीमेल दोनों आ गए, मेल फर्टाइल कर रहा है, फीमेल भी एक लेइंग कर रही है अभी। इनका प्रोसीजर चलता रहेगा ऑलमोस्ट कभी 45 मिनट्स लगते, कभी 1 hour मैक्स 1.5 घंटा लग गया, 1 hour 30 minutes तक इनका एक लेइंग का प्रोसीजर चलता रहेगा। फिर एक लेइंग के बाद थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे अभी एग्रेसिव हो गए एक लेइंग के टाइम से इन लोग। तो याद रखिएगा जैसे एक लेइंग हो जाए कुछ टाइम बाद आप उन्हें फीडिंग कर दें, उन्हें भूखा ना रखें क्योंकि फीमेल बहुत भूखी हो जाती है, बहुत हंगरी हो जाती है एक लेइंग के बाद। ओके दोस्तों, तो ये था इनका वीडियो जो एग लेइंग के टाइम पे मैंने बनाया था। अब हम इसे डिस्टर्ब नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। एग लेइंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, देख सकते हो आपने। माशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी आई है एग्स की। अभी फीमेल भूखी होगी क्योंकि एग लेइंग के बाद फीमेल बहुत ज़्यादा भूखी हो जाती है। अब इन्हें हम फीड करेंगे, तो आपको बताता हूँ किस तरह फीड करते हैं। देख सकते हो कि कॉर्नर पे फिल्टर चालू है और हीटर भी है, 26 में रखा गया है। अब इन्हें फीड करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह फीड करते हैं इसे एक लेइंग के टाइम। देख सकते हो फीमेल ख्याल रख रही अंडे का। और ये टाइम पे अगर हम फीमेल को फीडिंग नहीं देंगे तो हो सकता है कि नाइट में या मॉर्निंग तक ये कुछ एग्स खा ले, इसलिए हम पहले इसको फीड दे देंगे ताकि वो एकदम पेट फुल हो जाए इसका और अच्छे से ख्याल रख सके। हम इसे स्ट्रीम फिट करेंगे झींगा, इसके छोटे छोटे बाइट बना के, पतले पतले लंबे लंबे ऐसे स्मॉल स्मॉल नूडल जैसे होते हैं ना, पतले पतले थोड़े थोड़े बड़े इतने इतने यानी उसे फीड करेंगे। जैसे हमने स्ट्रीम ले लिया है और इसे साइड से ऐसा पतला निकलेगा,
जैसे देखते हो ये बाइट बन गई है, छोटी सी एकदम छोटी सी बाइट बन गई है, ये हमारे से फिट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देख सकते हो फीमेल अभी भूखी है, खाने के लिए फटाफट आएगी। जो एक ले किया है उसका जो स्टैंड है पाइप का वो पीछे है, और हम इस कोने में कर रहे हैं, फूड के करीब नहीं करना है, ये इस कोने पे लेके या दूर लेके उसे फीड करना है। इसी तरह हम फीड करेंगे, वो अच्छे से खाएगी। इस तरह हमें फीड करना है दोस्तों, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं इस तरह फीड करता हूँ। तो अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, नाइट बखैर।